हेलो एवरीवन, निधि की चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर बनने वाला पोटैटो सैंडविच। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना ना भूलें। सबसे पहले हम आलू का मसाला बनाएंगे। तो 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है, गैस का फ्लेम ने मीडियम रखा हुआ है, तेल गर्म हो चुका है। जीरा डाल देंगे हम इसमें 1 टीस्पून। अच्छी तरह से क्रैकर होने देंगे। 1 कटी हुई मिर्च डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। करी लीव्स डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से भून लेंगे 1 सेकेंड के लिए। अब हम इसमें 1 बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। सब्जियाँ मैं यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जो भी सब्जियाँ अच्छी लगती हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, इन्हें हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है, बस इतना ही। आप अपने मनपसंद सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो मसाले में 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। नमक डालने से प्याज बहुत ही जल्दी से भुन जाती है, तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि प्याज अच्छी तरह से सुनहरी ना हो जाए। प्याज बहुत ही अच्छी तरह से भुन गई है तो हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 टमाटर लिए हैं बारीक चॉप किए हुए, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए 3 से 4 मीडियम साइज के आलू। इन्हें हम हाथों से ही तोड़कर डाल रहे हैं, आप मैसर से भी मैश करके डाल सकते हैं। तो हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू को डाल दिया है। बहुत ही इंस्टेंट ये पोटैटो मसाला बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, फ्रेंकी बना सकते हैं। मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से आलू को मिक्स कर देंगे, बहुत ही इंस्टेंट मसाला बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से भून लेते हैं इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया हमने। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और मसाले का टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। आप इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास मसाला अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 4 ब्रेड की स्लाइस ली हैं, हम इसमें टोमेटो सॉस डाल रहे हैं। आप इसमें ग्रीन चटनी, टोमेटो सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम इसमें लगा देंगे। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी वो हम इसमें लगा लेंगे। स्टफिंग आप जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं, जितनी स्पाइसी जो भी मसाले आपको ऐड करना हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, बच्चों को ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने मसाले को भर दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा सब्जियां भी नहीं हैं तो बच्चे इसे पूरा ही फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को आलू बहुत ही पसंद होता है। तो हमने स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरह से लगा दी है। अब दूसरे वाले स्लाइस को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। उसके पहले हमने यहाँ पर नमकीन डाली है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, आप अपनी मनचाही नमकीन डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे हमने कवर कर लिया है, अब हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, अब इसमें हम ब्रेड को रख देते हैं। जितने भी आपको सेकने उतने आप स्टफ करके सेक लीजिए। तो ये एक तरफ से हल्का सा क्रिस्प हो रहा है, हल्का सा हमने ऑयल लगा दिया है, आप बटर भी लगा सकते हैं। अब इसे हम टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी ऑयल लगाकर अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इसे सैंडविच मेकर में भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से क्रिस्प एंड गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, हल्का सा ऑयल या बटर लगा लेंगे। तो इन्हें अब हम पलट लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसमें गोल्डन कलर आ चुका है, दोनों ही तरफ से हम इस तरह से सेक लेंगे। हमारे ब्रेड दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से सेक गए हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। सैंडविच हमारी बनकर तैयार हो गई है, हमने इसे बीच से कट कर लिया है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।